आकांक्षा पुरती जिथे गगन ठेंगणे असं म्हणत आकाशालाही गवसणी घालणाऱ्या आणि ध्येयवादी कल्पनेची उंचच उंच शिखरे गाठणाऱ्या आजच्या तरुणाईला आणि संपूर्ण भारत देशाला एक मार्केटिंगचा रोजगाराचा आणि सामाजिक व्यवस्थेचा पायंडा पाडून देणारी काही मोजकीच लोक या भारत देशात आहेत आणि त्या मोजक्या लोकांमध्ये एक नाव प्रकर्षाने घेतलं जातं ते म्हणजे प्रदीप लोखंडे सरांचं. आज मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रदीप लोखंडे आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांच्याशी आपण हितगुज साधणार आहोत. नमस्कार लोखंडे सर. नमस्कार सर. तुम्हाला पहिला प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भारताचा डाटाबेस तयार करावा आणि तो MNC कंपन्यांना विकावा अशी मूळ संकल्पना तुमच्या डोक्यात नेमकी आली कशी? असं झालं की लेस ट्रॅव्हल पाथ घेतला, म्हणजे ज्या रस्त्यावर कोणी चालायला तयार नाही त्या रस्त्यावर, कारण तुमच्याकडे दोन तीन गोष्टी लागतात जर व्यवसाय करायच्या. एक तर भरपूर पैसा लागतो किंवा भरपूर शिक्षण लागतं किंवा एक व्यवस्थित असलेला व्यवसायच तुम्हाला पुढे न्यायचा असतो. तर ह्या तिन्ही गोष्टी नव्हत्या माझ्याकडे. आईकडनंही कोणी व्यवसायात नव्हतं, वडिलांकडनंही कोणी व्यवसायात नव्हतं. त्यामुळे जो काही मी व्यवसाय करेन ती माझी संकल्पना होती आणि मला जगाला ती प्रूफ करून दाखवायची होती. त्यात मी असा तो मार्ग घेतला की ज्या रस्त्यावर कोणी जास्त चालायला तयार नाही आहेत त्या रस्त्यावर मी चालण्याचा निर्णय घेतला आणि तो होता ग्रामीण भारत. So how did you manage to collect the database of 4,000 villages? Because that is a huge number. No, we have collected data of actually 49,000 villages today. And in turn, these 49,000 villages cater to more than 3 lakh villages of this country. The concept we have taken is no need to go to all the villages of the country. Go to the villages where the population of that village is more than 2,000 and a weekly bazaar takes place. Why 2,000? Because when we say 2,000 pops at a village, there are 350 households. Out of that, 20% to 30% are BPL families, and we are looking at it from the commercial point of view. So there are only 200 to 220 households. So the cutoff point was 2,000 and above. So if you can take an example of Maharashtra, there are 43,000 villages in Maharashtra, 355 tehsils, talukas, and 35 districts. But out of that 43,000 villages, if you concentrate only villages having population above 2,000 and weekly bazaar takes place, they are only 6,900. So achievable number. So we have targeted that 6,900 villages and we have started collecting the data from these 6,900 villages, and we have adopted two things. One, a direct reaching there and collecting the data, and second, most importantly, getting that data from postal communication. So ये technologically connected है, but there are around 43,000 villages all over Maharashtra. How do you think you will connect them? One, secondly, और कितनी जल्दी हो पाएगा? नहीं, मुझे सब चीजें देनी चाहिए, because ये जो village है, that is a, we call it as a feeder village, because people from adjoining villages come to this, इस गांव में आते हैं अपना सामान खरीदने के लिए. इस सामान क्यों खरीदने के लिए आते हैं? आप देखिएगा, I always give an example of my wife. I stay in a Pune. And I stay in a Pune 1, though my business is in Pune 13. मैं वो Pune 1 में रहता हूँ, but मेरे वहाँ भी काफ़ी सारे साड़ी के शॉप है. But मेरे वाइफ ने अभी तक जिंदगी में वहाँ कभी खरीदी नहीं है साड़ी. सी वो हमेशा जाती है एक लक्ष्मी रोड नाम की जो जगह है वहाँ जाके साड़ी खरीदती है. इसका मतलब ये होता है कोई भी कंज्यूमर होता है वो ऐसी जगह जाके कोई भी चीज़ खरीदता है, वहाँ उसे ऑप्शन होने चाहिए, वहाँ उसे वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए. इसीलिए दिस विलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज. इसको हम फीडर विलेज कहते हैं, जो कि 8 से 10 गाँव को फीड करता है. तो वो गाँव में अगर बिजली, पानी, रोड, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ये सब चीज़ें हम देते हैं, तो वो 6 या 7 गांव को उसका बेनिफिट मिल जाता है. वन मोर थिंग, एक इट्स कॉल्ड पुणे 13. अगर मतलब आपके नाम से प्रदीप लोखंडे पुणे 13 चिट्ठी डालते हैं तो आप तक सीधी पहुंच जाती है? नहीं, उसका क्या हुआ है मैं बताता हूँ. ये 20 साल की तपस्या है, ये आज से नहीं हुआ है. ये 20 साल पहले मैंने जब लेटर लिखना चालू किया तो पूरा एड्रेस लिखता था. स्लोली स्लोली काफ़ी सारे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, जो हम ना उस स्टेट में काम करते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 9 स्टेट में हम जो काम करते हैं वहाँ मैं रेगुलरली कम्युनिकेशन लिखता हूँ. और मैं पहले क्या करता था, जो कम्युनिकेशन लिखता था उसके साथ एक रिप्लाई कार्ड भेजता था, क्योंकि व्हाई ही विल इन्वेस्ट इवन 50 पैसा टू गिव मी द इन्फॉर्मेशन. तो उसके साथ फिर मैंने स्लोली एड्रेस कम करना चालू किया, क्योंकि वो आदमी जो भी कोई सोचे तो उसको याद रखे भाई प्रदीप लोखंडे पुणे 13 लिखता हूँ, तो ये लेटर उनके पास पहुँच जाता है. और आई ऑलवेज थैंक द पोस्टल डिपार्टमेंट, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब.
ग्रामीण भारताचा डाटाबेस तयार करताना एक सेव्हन सेगमेंट नावांची एक नवीन कन्सेप्ट तुम्ही रुजू घातली, तर त्या सेव्हन सेगमेंटच्या कन्सेप्ट बद्दल काय सांगाल? काय आहे की भारतामध्ये मी हा जो पहिल्यांदा डेटाबेस घेतला होता, जरी हा तुम्हाला असा दिसेल की हे सगळं सोशल कामासाठी आहे, पण हे कॉम्बिनेशन केलं होतं. आणि त्याला मी एक नेहमी शब्द वापरतो, ही गावाची कुंडली घेण्याचा मी प्रयत्न केला होता. आणि आपण जेव्हा कुंडली म्हणतो तर समोरच्याला तुम्हाला रीड करायचं असतं, तर मला माझ्याकडे माहिती अशी पाहिजे होती की ज्याच्या माध्यमातून मी गावाला रीड करू शकेन. तर त्यात हे जे त्यात बाकीच्या माहितीबरोबर जी माहिती घेतली होती, सात त्यात जे भाग घेतले होते ते असे घेतले होते की कोणत्याही गावातला व्यक्ती जो 3 वर्षाचा 3 वर्ष ते 85 वर्षाचा असेल त्याला लागणारे हे सगळे प्रोडक्ट आहे. मग त्यात चहा आला, त्यात पेस्ट आली, त्यात डिटर्जंट आलं, त्यात आंघोळीचं साबण आला, त्यात डोक्याला लावायचं तेल आलं, त्यात फेस पावडर आली. ह्या सगळ्या गोष्टी 3 वर्षापासून 85 वर्षापर्यंत माणसाला लागतात. आणि त्याची माहिती जर माझ्याकडे असेल तर निश्चितच कुठलीही मोठी कंपनी माझ्याबरोबर बोलायला तयार होईल. कारण ही जर एका प्लॅटफॉर्मपर्यंतची जर त्यांच्याकडे माहिती त्यांना मिळाली तर त्याच्यावरती त्यांना काम करायला थोडं सोपं जाण्याची शक्यता आहे. सर, हाउ डिड इट अकर टू यू टू सेल द डेटाबेस ऑफ दीज विलेजेस टू द एमएनसीज? नो नो, आय प्रिन्सिपली टेकन अ कॉल दॅट आय विल नॉट सेल माय डेटा. That call I have taken in 1996, means when I have collected the data of Maharashtra of 6,900 villages. It was quite a fantastic data, name of village, taluka, district, population, bazaar day, gathering, name of shop, name of school, school principal, postmaster, postman, gram sevak, talati, sarpanch, how many television sets that particular village has, how many telephone lines that particular village has, is Doordarshan reaching there, is satellite TV reaching there, and the availability of the 7 segment. So I have collected that data, and as I told you, from the day one I have taken a call that I will not sell that data, I will use that data as a basic information for my organization. And on that data I have started building relationship with the so-called opinion leaders of these villages, and I have used that data to build relationship with the people. So whenever I'll do the activity with the corporate, I will definitely minimum there will be a door opening which I will use to do a good work in a village. So India is a country have sabse maximum youth population hai, and there are a lot of youth who want to come forward and contribute towards your cause, or you know, directly even social entrepreneurs banna jate hain. What do you think? Nahi, mere cause ke liye karne ka zarur hai, karna chahiye, koi dikkat nahi hai, but har ek koi kaam kar raha hai aisa bhi mat sochiyega. There are a lot of people doing a lot of work across the country, and actually they are the unsung heroes of this country. Wo unsung hero is desh ke, wo backbone is desh ke. हमें क्या हो रहा है, थोड़ा मैं वो मीडिया को बात कहूँगा कि उनके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा लोगों के सामने जाना चाहिए. कुछ छूट मुट बात करने से वो उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा. अभी क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल कि जिनको कैसे पब्लिसिटी लेनी वो भी नहीं समझता है. मेरे जैसे कुछ लोग हैं वो पब्लिसिटी उनको मिल जाती है, बट मेरे से अच्छा काम करने वाले इस देश में काफ़ी सारे नौजवान हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, वो मीडिया के सामने अभी तक आए ही नहीं है. तो हमें उनको ढूंढना पड़ेगा. दे आर द अनसंग हीरोज, और वो लाखों में है, ये मैं हक से कहता हूँ. और उसमें हम एक प्रोग्राम हमारे साइट पे चला रहे हैं, उसको नाम दिया हमने रूरल चैंपियन. उसमें हम क्या करते हैं, हमारे अब कुछ लोगों के पास हमने अभी हैंडीकैप दिए हुए हैं, और हम जहाँ भी काम करते हैं पूरे इंडिया में, वहाँ जाके हम लोगों को पूछते हैं कि आपके एरिया में कौन अच्छा काम करता है, उनके पास जाते हैं और उनको हम शूट करते हैं कि आपका क्या काम चल रहा है. सपोज एक लेडी है गाँव में, वो अच्छा काम कर रही है कि गाँव में से लिकर निकल जाए, तो हम उनसे बात करते हैं, पहले उनका शूटिंग लेते हैं हम, फिर उसके बाद में जिनको बेनिफिट हुआ है उनको भी लेते हैं, बिकॉज दो साइड होनी चाहिए हमेशा, और वो दोनों एडिट करके हम साइड में रखते हैं. उसमें हम बीच में नहीं आते, उसमें हम लिखते हैं ये औरत का नाम ये है, उनका ये एड्रेस है, उनका ये नंबर है, उनका ईमेल आईडी है. जो कि मैं अभी इसी मीडियम से भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उनको एम्पावर कीजिएगा, और वो खुशी जो है आप खरीद नहीं सकते. क्योंकि एक गांव का आप डेवलपमेंट करते हो, एक छोटे से बच्चे का करते हो, एक स्कूल का करते हो, और मेरा खुद का मानना है अगर हमें इस देश को बदलना है, जैसे आप कह रहे थे कि ये देश नौजवानों का है, यस, आज इस देश में 53% जो पॉपुलेशन है वो 35 एज के नीचे है, मींस यंग है, बट उसको चैनलाइज करना पड़ेगा. अगर आप चैनलाइज ठीक से नहीं करोगे तो वो गलत रास्ते में भी जा सकता है, और कुछ हम चुटमुट चीज़ें देखते हैं उसमें हमेशा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको भी जिसके पास भी पीछे मुड़ के उसको देखना है, अच्छी चीज़ें करनी है, वो जो भी अच्छा करे वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में करे, बिकॉज वो फ्यूचर इंडिया है. ही इज डिसिप्लिन, उसका एज काफ़ी अच्छा है, उसको अब तक उस एज में अच्छे से मोल्ड कर सकते हो, और उस
अगर उस टाइम पे ही अच्छा बीज अगर उसके आप दिमाग में डालोगे तो ये देश 100% बदलेगा. मुझे बिल्कुल उसमें दोहराया मेरा ये नहीं है, 100% बदलेगा. मोर थिंग, आप कॉलेजेस विजिट कर रहे हैं, गेस्ट लेक्चर्स ले रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं. व्हाट डू यू वांट स्टूडेंट्स टू पिक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? मुझे क्या लगता है कि यू टेक द एसेंस ऑफ एनीबॉडी, वो प्रदीप लोखंडे हो या चेतन भगत हो या नरेंद्र मोदी हो या मनमोहन सिंह हो, आप इससे एसेंस लीजिएगा और आप में क्या अच्छा है. आप अच्छा बात कर सकते हो, आप अच्छा लिख सकते हो, आप अच्छा दिखते हो, आप लोगों को में मिल सकते हो, आप लोगों में नहीं मिल सकते हो, आप बहुत सेंट्रिक हो, तो हर एक के लिए काम है इस देश में. और वो अगर काम ठीक से हम करते हैं तो इससे बड़ी बात इस देश के लिए कोई नहीं. सर, शेवटचा एक प्रश्न, पुढच्या 10 वर्षांमध्ये तुम्ही स्वतःला कुठे पाहू इच्छिता? मला मरायच्या अगोदर 85,000 गावं पूर्ण करायची आहे, ज्याची लोकसंख्या 2,000 ते 8,000 आहे या देशातली. हा माझा अल्टिमेट एम आहे. आणि मला काय 85,000 गावं करायची, हा आज मी 49 पर्यंत पोहोचलेलेच आहे. 85,000 गावं मला करायची आणि तिथली माहितीचं एक असं छानपैकी डॉक्युमेंटेशन करायचंय की जगातल्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला, एज नाही त्यासाठी, एज नाही, त्यांनी येऊन तिथे जर ती माहिती बघितली तर ग्रामीण भारत आज कसा चालतोय ह्याची त्याला थोडी का वयाने अशी माहिती मिळावी की ज्याच्या माध्यमातून तो त्याचं स्वतःचं मत बनवू शकेल. आणि त्या मताच्या आधारे मग व्यवसाय करा, सोशल काम करा, जगाला विकत घ्या किंवा जगाला विका, काय जे करायचं ते करा. तर ती प्लिंथपर्यंतचं काम मला 85,000 गावाचं करायचं आहे, हे माझं अल्टिमेट आहे. धन्यवाद सर, तुमच्या भावी आयुष्यासाठी आमच्या लाख लाख शुभेच्छा आणि धन्यवाद. थँक्यू.